दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए ब्लॉग लेकर आए हैं। तो आज हमने बनाई है ये नारी की सब्जी। दोस्तों देखिए, आपने शायद ये सब्जी खाई हो, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको ऐसे तो करंदुआ का भी साग कहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इसको नारी का साग कहते हैं। तो देखिए हम बना रहे हैं, तो हमने सोचा आपको भी दिखा देते हैं कि शायद ये आपने खाया हो। लेकिन अभी ये पका नहीं है, अभी हम इसको पका रहे हैं। पूरी तरह से नहीं पका है अभी। हमारा चावल भी पक रहा है, इस तरफ दाल हमने पका ली है। और दोपहर का खाना है, अभी तक हमारा खाना नहीं बना है। देखिए सीटी भी आ गई है, चावल में सीटी आ गई है। तो आज हमारा खाना पकने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी तक नहीं पका पाए हैं क्योंकि हम किसी काम में बिजी थे इस वजह से। और आयुष्मान बहुत देर से घूम रहे थे, अभी अभी ये आए घूम के, तो आज इनकी पिटाई भी होनी है क्योंकि ये बहुत शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो आज पक्का है इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि इनके पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से और ये घर पर नहीं थे। आज ये घर पर नहीं मिले हैं, तो इसलिए वो बहुत नाराज़ हैं। आज इनको बहुत ज़्यादा मारेंगे, गुस्से में कहीं गए हुए हैं और अभी आएंगे। इनको किसी तरह से पता चल चुका है कि पापा आए हैं, तो ये घर पर आ गए हैं। देखिए इन्होंने अभी तक नहाना धोना भी नहीं किया है, अभी अभी ये आए हैं और आके कैसे लेटे हुए हैं। इनको देखिए जरा कि कैसे लेटे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं और बहुत थके हुए हैं। आते आते इन्होंने टीवी चला ली है और इनको बहुत डर लग रहा है अंदर से कि आज ये शायद मार खाएंगे पापा जी से। तो अभी तो वो नहीं आए हैं दोस्तों। तो और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? तीज के त्यौहार की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? हमारे यहाँ तो तीज का त्यौहार होता ही नहीं है दोस्तों, होता भी होगा तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में कोई नहीं रहता है। तीज का व्रत भी कोई नहीं करता है और तीज का कोई भी कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन हम लोग मंदिर हमारे यहाँ है, तो वहाँ पे तीज की पूजा होती है। पड़ोस की सारी महिलाएँ वहाँ पर आती हैं, तो हम सभी लोग वहीं पर एकत्रित होते हैं, पूरी पूजा देखते हैं हम लोग किस तरह से पूजा होती है, कैसे कैसे यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, माता जी के गीत गाए जाते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। तो हम लोग मंदिर पे जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। घर में हमारे नहीं होते क्योंकि हमारी अभी सास हैं और हमारी चाची सास हैं, ननद हैं, जिठानी हैं, कोई भी इस पूजा को नहीं करता है, तो इसलिए हमने भी स्टार्ट नहीं की है। लेकिन ये पूजा हमको बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए है। और कहते हैं कि जो लड़कियां व्रत करती हैं उनको मनचाहा वर भी मिलता है। तो ये हरतालिका तीज की पूजा जो होती है ये बहुत अच्छी लगती है। ये सारी सुहागन महिलाएं मिलकर एक साथ पूजा करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जो मंदिर है जहाँ पे सारी महिलाएं आती हैं, रात भर वहाँ पर कीर्तन भजन होते हैं और बड़े ही विधि विधान से पूजा होती है। और दोस्तों हमारा घर जो बन रहा था, मैंने आपको पहले दिखाया था, अपने घर का वीडियो दिखाया था कि घर बन रहा था, तो अब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमारे टाइल्स वगैरह आ चुकी हैं, किचन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, टॉयलेट भी कंप्लीट हो गया है, बाथरूम कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है और सिर्फ टाइल्स लगने रह गई हैं। तो टाइल्स भी आ चुकी हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस कलर की टाइल्स हम लगवाएँगे फ्लोर में, तो आप सभी लोग देख लीजिए। तो ये सारी टाइल्स हमारी जो थी, ये देखिए पूरा आ गया है जितना लगना है, सब रखा हुआ है। ये देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा खुला हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये कलर है, जब ये लगेगा तब हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लगता है। तो हस्बैंड अभी अभी लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि दो कलर की है, एक वाइट है और एक थोड़ा सा शेड में है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की हमारी टाइल्स है, हम कल आपको दिखाएंगे। कल क्या, जब ये लगनी शुरू हो जाएगी तभी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे यहाँ छत पे भी डिज़ाइन बन गई है, जो यूपी की डिज़ाइन बनती है, बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनें बनी हुई हैं। हम अभी तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। कल या अगला जो भी हमारा ब्लॉग होगा उसमें हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो टाइल्स हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। आप सभी को मेरी तीज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो पत्थर भी आना था, तो वो भी आ गया है, वो पत्थर लेके आए हैं।
उसको भी हम रखवाना है, और हम आगे पूरा आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने पत्थर लगवाया है, कैसा डिज़ाइन हमने बनवाया है, कैसी डिज़ाइन हमने छत पे बनवाई है, आप सभी लोग देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये मार्बल आया है, मार्बल थोड़ा सा कम पड़ गया था जो कि हमारे सीढ़ियों पे लगना था। पहले का पत्थर रखा हुआ था जब हमने नीचे का कंप्लीट कराया था, उसमें का पत्थर बचा हुआ था तो वही मैंने सीढ़ियों पे लगवा दिया था, लेकिन उसमें से कुछ कम पड़ गया था। तो ये मार्बल भी आ गया है और कल से काम स्टार्ट होगा, टाइल्स का भी और पत्थर का भी काम कल से ही स्टार्ट होगा।